ये गाड़ी यहाँ पे ओपन कर लिए। लास्ट ब्लॉग में जो गाड़ी ओपन किए थे तब नए टप्पर लगाने के लिए गए थे, बट अभी इसके लिए तो कहाँ जाके घुसना है तो समझ नहीं आ रहा। सामने रोड पर एक सरप्राइज है, बस आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। तो ये अभी पूरे पार्ट्स पेट्रोल से वॉश करे और अभी इसमें एक काम, मतलब गाड़ी सर्विस करते करते आधे में छोड़ के चले गए, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था वो काम। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो जैसे आज का सीन कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला था मेरी गाड़ी में बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाना है। पहले गाड़ी सर्विसिंग को डालेंगे, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन अपन थोड़ा सा राइड करके आएंगे बाहर से। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पैर बहुत जल रहे थे, फटाफट से चप्पल पहनता हूँ, नहाता हूँ और निकलते अपन फटक से। और एक और चीज़, मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरे को, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। सो चलिए आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो गाइज, अभी अपन ने ये गाड़ी यहाँ पे ओपन कर लिए। लास्ट ब्लॉग में जो गाड़ी ओपन किए थे तब नए टप्पर लगाने के लिए गए थे, बट अभी इसके लिए कि शॉकर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी सुबह कि ऑयल लीक हो रहा है करके यहाँ से, तो अभी दोनों शॉकर निकल रहे, उसका ऑयल बराबर करेंगे और गाड़ी का ब्रेक शू मतलब पूरा प्रॉपर समोर का आगे का बराबर करेंगे। जो ये भैया क्लियर कर रहे अपना जो काम है। नाम क्या भैया आपका? वैभव भैया। तो अभी इसमें ऑयलिंग वगैरह करेंगे, नया ऑयल डालेंगे और जो भी काम होगा वो होगा। देख सकते बारिश के कारण कितनी पूरी मिट्टी जम गई है इसके ऊपर। अभी अपने दोनों शॉकर ओपन हो गए और ये स्प्रिंग निकल रही है इसके अंदर से। अभी अपने दोनों शॉकर ओपन हो गए और ऑयल देख सकते हो पूरा खराब हो गया। तो ये अभी पूरे पार्ट्स पेट्रोल से वॉश करे और अभी इसमें नए वाले जो लगाने हैं वो लगेंगे पार्ट्स। तो ये जा रहा है अपने शॉकर में ऑयल। पूरा 100 ml ऑयल डालना पड़ता है एक शॉकर में। नेक्स्ट डे तो फिर से एक और नई सुबह आ चुकी है और मैं कल के ब्लॉग पे आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिकॉज कल कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे गाड़ी का काम आगे जो है छोड़ जाना पड़ा। तो आज वो काम पूरा कराते हैं और फ्रेश, सबसे पहले तो फ्रेश होते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और काम को पूरा करते हैं। सो चलते हैं फटाफट से। बड़ा रोड पे आज ट्रैफिक लग रहा है और पीछे छूते हैं इंसान ने कहा मेरे को हॉर्न पे हॉर्न दे जा रहा है, पता नहीं उसको कहाँ जाके घुसना है। तो समझ नहीं आ रहा, सामने रोड बंद ट्रैफिक है और वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है। तो पागल लोग रहते हैं पहले में इतनी। सबसे पहले मुझे जाना है अपने जॉब पे और जॉब के पास में एक गैराज है जिनके पास में गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालूंगा। कल एक काम, मतलब गाड़ी सर्विस करते करते आधे में छोड़ के चले गए, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। वो काम क्या है मैं वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि वो काम आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बस आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, एक कहीं ट्रैवल होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, वो आपको मेरे आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में ही पता चलेगा। तो बस आपको एक छोटी सी हिंट दे दिया कि उसी के थोड़ा डिस्कशन करने जाना था, जिसके वजह से वो मैंने गाड़ी वापस छोड़ दी है गैरेज में और मैं चले गया। पूरा प्लान वन करके आ गया, किधर जाना है कैसे जाना है, हर एक चीज़ प्लान करके आ गया हूँ मैं अभी पूरा टोटल। और अभी फ़िलहाल अपन अपने जॉब पे जा रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी लेट हो गए हैं।
वैसे शॉकर ठीक करने से क्या हो गया, मेरी गाड़ी चलने में थोड़ी स्मूथ हो गई है अभी। मतलब जब ब्रेकिंग करते हैं ना तब गाड़ी बढ़िया होती है, नहीं तो पहले खटखट खटखट आवाज़ करती थी जिसकी वजह से तब बहुत तकलीफ होती थी। एक और चीज़ गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे तो मैंने इस रोड का नाम बताया था, जो भी आगे आएंगे मैं आपको बताता। थोड़ा ये ट्रैफिक क्लियर कर लेते अपन। अंकल क्यों ऐसा कर रहे, घुसा दो बोल। हाँ तो अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो मेरे पिछले ब्लॉग में ये वाले रोड का मैंने नाम बताया है। तो ये इस रोड का क्या नाम बताया गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बता दो जिसने ब्लॉग देखा है, और जिसने नहीं देखा वो जाके फटाफट से ब्लॉग देखो और रोड का मैंने क्या नाम बताया था मुझे कमेंट करो गाइस। गाड़ी में एयर फिलअप कराना भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो गाड़ी का एवरेज मेंटेन होता है उससे। शायद ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और आज पता नहीं यार गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि तो गाड़ी है इसमें स्मूथ चल रही है ना, तो मज़ा ही आता है गाड़ी चलाने में। अगर गाड़ी में छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम रहा ना तो वैसा मन एकदम से छोटा हो जाता है मेरा कि गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं होती है, फिर ऐसा लगता है कि वो गाड़ी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, जिसके वजह से थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना पड़ती है। मतलब चलाने की इच्छा होती है बट वैसे चलाने की इच्छा नहीं होती है जैसे मुझे चलानी पसंद है। आज मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अपन लोग मतलब मैं अपने जॉब में पहुंच चुका हूँ अभी, पहले सबसे पहले जॉब में जाएंगे और फिर वहाँ एंट्री करने के बाद थोड़े देर बाद मैं आराम से जाऊँगा गैरेज में, जहाँ गाड़ी डाल के आ जाऊँगा। ज़्यादा कुछ नहीं कराना है गाड़ी में, सिर्फ ऑयल चेंज कराना है और कुछ नहीं करना है, और थोड़ी वॉशिंग करानी है बस। तो कराने के बाद फिर अपन फ्री हो जाते हैं, और हो सके तो मैं रात को कोराड़ी भी जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ जैसे पिछली बार गया था वैसे ही। बस जो भी जैसा भी सीन बनता है आपको दिख जाएगा। तो चलते हैं अभी पहले अपने जॉब पे। और ये भैया यार रोड पूरा गंदा करके रख दिए, आज दूसरे रोड से निकाली क्योंकि उधर वाले रोड से काम चालू है ना, इसके वजह से ये गली से निकालनी पड़ी मेरे को। और आपने बीच में देखे ही होंगे पूरा रोड ख़राब है, उधर तक पूरा खुदा है जहाँ से मैं डेली आता हूँ। यहाँ पे स्कूल है बढ़िया, स्कूल में प्रेयर चालू है लगता। और ये लोग पहुँच गए अपन अपने शॉप में, और शॉप जस्ट ओपन हुई।